Hello students, in this video we will cover Vant Hoff factor in detail. Okay, now Vant Hoff factor kya hota hai? Now we have studied 4 colligative properties, that is relative lowering of vapor pressure, jisko hum log dekhte hai delta P by P naught, elevation in boiling point, that is delta TB, uske baad depression in freezing point, that is delta TF, and osmotic pressure, which is equal to pi. Now what we have realized is कि ये सारे जो colligative properties होती है, they depend upon number of particles. हमने ये भी पढ़ा था कि आप इन properties को use करके molecular weight of solute find out कर सकते हो. तो जैसे delta TB के लिए हम लोगों ने एक formula दिखा था ना, it is equal to KB into weight of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent in kg. मान लो आपको बाकी सारी चीजें पता हो तो आप ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ यूजिंग दिस मेथड वी ट्राइड आउट टू मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड शुगर का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया गया विच केम अराउंड 342 विच इज एक्चुअली 342. तो दिस टेक्निक ये इसका सक्सेस था. फिर यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया गया विच वॉज 60 विच वॉज अगेन करेक्ट. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया गया विच वॉज 180 विच वॉज अगेन करेक्ट. अच्छा फिर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया गया एंड NaCl का मॉलिक्यूलर वेट सोडियम 23 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, तो आपका जो आंसर है ये 58.5 आना चाहिए था. बट व्हेन एक्सपेरिमेंट्स वेर डन द आंसर वॉज 58.5/2. सो देन द केमिस्ट वो शॉक हो गए कि ये क्यों गलत आंसर आ रहा है. सिमिलरली CaCl2 इसके लिए कैल्शियम इज 40, क्लोरीन इज 35.5, 71 + 40 इट इज 111. तो यहां पे एक्सपेक्टेड था आपको आंसर मॉलिक्यूलर वेट 111 आना चाहिए बट आंसर केम आउट टू बी 111/3. सो जब ये ऐसे आंसर्स आने लगे तब दे ट्राई टू डिग फर्दर कि ऐसा क्यों हो रहा था. फिर उन्हें यह समझ में आया कि शुगर यूरिया एंड ग्लूकोज दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये डिसोसिएट नहीं होते. तो मान लो इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो इट विल रिमेन एज वन मॉलिक्यूल इटसेल्फ. बट हमें यह पता है कि NaCl CaCl2 दीज आर योर आयोनिक कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. NaCl को जब आप पानी में डालते हो, लेट से इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl यू पुट इट इन वॉटर, वॉट यू विल गेट इज 1 Na+ + 1 Cl-. एक पार्टिकल दो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है ना. तो हम लोग जो मान के चल रहे थे कि हमारे पास मान लो 1 mole ऑफ NaCl है, तो अब आपके पास 1 mole पार्टिकल नहीं है, ये दिस हैज बिन कन्वर्टेड इंटू 2 moles. तो अगर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो चुके हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो चुके हैं, तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी. ऐसे ही पाया गया दैट से डेल्टा टीएफ. नाउ इट वाज फाउंड दैट डेल्टा टीएफ और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है C(R)T. नाउ इस फॉर्मूले को यूज करें कि मान लो यू हैव NaCl सोल्यूशन, यू हैव NaCl सोल्यूशन विच इज 1 molar, ओके, एंड लेट्स से टेम्परेचर इज 300 केल्विन. तो आप जब ये इसमें पुट करोगे तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर क्या एक्सपेक्ट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन इज 1, दिस इज 0.08 × 300. तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर 24 एटमोस्फियर अज्यूम करोगे. बट एक्चुअल में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज 48 एटमोस्फियर्स. इट वॉज ऑब्जर्व दैट ये 48 एटमोस्फियर्स हो रहा था. तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, फिर साइंटिस्ट को समझ में आया कि सिंस ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है. तो NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, व्हेन यू डिसॉल्व देम दे डिसोसिएट एंड दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इट इंक्रीजेस. नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, तो अब हम लोग ये जो फैक्टर है जहां पे डिसोसिएशन हो रहा है इस फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी डिफाइन वैंट हॉफ फैक्टर. नाउ वैंट हॉफ फैक्टर बुक्स में अलग तरह से दिया गया है, ओके,
मैं ये आपको एक्सप्लेन अलग तरह से करूंगा, इट बिकम्स सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वांट ऑफ फैक्टर आई, इट इज सिंपली डिफाइंड एज फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इनिशियल पार्टिकल्स आई कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नाउ इसके बाद वंस यू हैव डिफाइंड वांट ऑफ फैक्टर, तो हर एक जो आपका फॉर्मूला था, जैसा जैसे था डेल्टा पी बाय पी नॉट, दिस वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन टोटल. नाउ इस फॉर्मूले को बस आप आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो अब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. जब आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा पी बाय पी नॉट, ये जो वैल्यू होती है, दिस बिकम्स योर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज योर ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब आप आई से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका फॉर्मूला बस ये रह जाता है जो हम लोगों ने पहले देखा था. सो दैट बिकम्स योर थियोरेटिकल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, सो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, आप जब कभी कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होती है वो हमेशा वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करती है. वो हमेशा इस पर डिपेंड करती है कि डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो वैसे ही सारे जो फॉर्मूलेज है आपके चेंज हो जाएंगे. डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई. डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज अगेन इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई. ओके, एंड डेल्टा टी नहीं, अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी. आप इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, सो अब आपको ये समझ में आ गया कि सारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, इनकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूले को बस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे. And I is always calculated as final number of moles divided by your initial number of moles. Okay. Now let's try to understand this further. There is one more way how you can define Vant of factor I. Vant of factor I is defined as theoretical molecular weight. I'm not sure about the spelling. Theoretical molecular weight divided by observed molecular weight. Which is also defined as observed colligative property divided by theoretical colligative property. Theoretical property आप कैसे निकालते हो? आप directly formula use करो और उस formula को I से multiply मत करो. तो हम लोगों ने जो अब तक प्रीवियस लेक्चर्स में सारे फॉर्मूलेस देखे थे, उससे जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू मिलती है, दैट इज योर थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए आप थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा आई से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, सो दिस इज ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, दिस इज थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व. ओके, अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग, विच मीन्स दे डिसोसिएट 100%. अगर जो 100% डिसोसिएट हो जाता है तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल, अब NaCl है, NaCl will dissociate to form Na plus and Cl minus. So let's say initially 1, 1, 1. आपका Vant of factor जो होगा, that will be N final upon N initial.
Finally, how many moles you have? You have one mole of this plus one mole of this. So you have 2 moles of this. Initially, you had 1 mole of this. So 2 by 1, that is equal to 2. So basically, for strong electrolytes, आप वैंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली देख के बता सकते हो. जैसे CaCl2 है तो CaCl2 फॉर्म्स Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. आपका वैंट ऑफ फैक्टर वापस n फाइनल अपॉन n इनिशियल. फाइनली यू हैव 1 प्लस 2, 3 पार्टिकल्स. इनिशियली यू हैड 1 पार्टिकल, सो वैंट ऑफ फैक्टर वुड बी इक्वल टू 3. कई बार आप अलग टाइप के कंपाउंड्स देखोगे, जैसे K3FeCN6. नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है. नाउ ये जो बॉक्स ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये डिसोसिएट नहीं होता, ये एज इट इज रहता है. तो ये जो 3 पोटेशियम से ये अलग हो जाएंगे, प्लस ये जो बॉक्स ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एज इट इज रहेगा. तो यहां पे जो आपका वैंट ऑफ फैक्टर होगा, फाइनली आपके पास कितने पार्टिकल्स है, 3 ऑफ पोटेशियम, 1 ऑफ दिस, सो 3 प्लस 1 4. इनिशियली यू हैड ओनली 1 मोल ऑफ दिस, सो आपका वैंट ऑफ फैक्टर जो है दैट विल बिकम 4. सो यहां पे वैंट ऑफ फैक्टर हम लोगों ने निकाला है उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जहां पे डिसोसिएशन 100% होता है. आप डायरेक्टली कर सकते हो ये. ओके, नाउ यू कैन डायरेक्टली डू इट. NaCl2 आयंस है तो वैंट ऑफ फैक्टर इज 2. CaCl2 1 प्लस 2 3 आयंस है तो वैंट ऑफ फैक्टर इज 3. K3FeCN6 3 एंड ये 1 4 आयंस है तो वैंट ऑफ फैक्टर इज 4. बट सम इलेक्ट्रोलाइट्स दे डू नॉट डिसोसिएट 100%. सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट 100%, उसके लिए वैंट ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालोगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव AxBy. ऑन डिसोसिएशन इट प्रोड्यूसेस एक्स आयंस ऑफ ए प्लस वाई आयंस ऑफ बी. अब चार्जेस आप नॉर्मली ऐसे लिखते हो, लेट्स से ये प्लस वाई है तो ये माइनस एक्स होगा. ओके, बट ठीक है, आप चार्जेस नहीं दिखो तो भी ठीक है. वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज यू आर गेटिंग एक्स आयंस ऑफ ए एंड वाई आयंस ऑफ बी. नाउ यहां पे 100% डिसोसिएशन नहीं है. 100% डिसोसिएशन होता तो आपका वैंट ऑफ फैक्टर क्या होता, टोटल आयंस एक्स प्लस वाई, तो वो आपका वैंट ऑफ फैक्टर हो जाता. बट बिकॉज यहां पे 100% डिसोसिएशन नहीं है तो वैंट ऑफ फैक्टर आप थोड़ा अलग तरह से निकालते हो. लेट से इनिशियली यू हैव 1 मोल ऑफ दिस, यू हैव 0 ऑफ दिस, 0 ऑफ दिस. अब यहां पे कुछ तो रिएक्ट करेगा, लेट से अल्फा अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्योंकि आप स्टार्टिंग में 1 मोल देते हो तो जो भी रिएक्ट करता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. सो नाउ 1:x:y ये रेशियो है ना, तो अगर जो इसके अल्फा मोल्स रिएक्ट करेंगे, इसका जब 1 रिएक्ट करता है तो x फॉर्म होता है, तो ये अगर जो अल्फा रिएक्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स अल्फा फॉर्म होगा, ये प्लस वाई अल्फा फॉर्म होगा. सो नाउ फाइनली व्हाट यू विल हैव इज 1 - अल्फा, दिस इज एक्स अल्फा, दिस इज वाई अल्फा. ओके, नाउ वंस दिस इज फॉर्म, अब आपको वैंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले तो एन फाइनल फाइंड आउट करना होगा. एन फाइनल के लिए आप, अब ये भी कुछ बच रहा है, प्लस ये और ये फॉर्म हो रहा है, तो फाइनली आपके पास कितने मोल्स होंगे, 1 - अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा. अब एन इनिशियल कितना था, हमारे पास इनिशियली कितने मोल्स थे, इनिशियली ओनली हैड 1 मोल. तो जो हमारा वैंट ऑफ फैक्टर होगा आई, दैट विल बी एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल. सो एन फाइनल इज, आप अल्फा कॉमन निकाल सकते हो, सो 1 + x + y - 1 टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय 1. सो वैंट ऑफ फैक्टर 1 + x + y - 1 टाइम्स अल्फा. सो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड आउट वैंट ऑफ फैक्टर.
आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, अगर जो आपको वैंट ऑफ फैक्टर पता हो तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो. आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन, दिस इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड यहां पे एक्स एंड वाई क्या है, वॉट आर एक्स एंड वाई? X and Y are basically the number of atoms of A and number of atoms of B respectively. ठीक है, so if I have to use this formula, मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं. लेट से Al2SO4 थ्राइस है एंड इट इज गिवन टू यू दैट इट इज 40% डिसोसिएटेड. अल्फा की वैल्यू आपको पता है 40/100, दैट इज 0.4. आपको आई फाइंड आउट करना है. अब आई कैसे फाइंड आउट करोगे? इट इज 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स अल्फा. सो आई बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, सो विच इज 2. वाई इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, एसओ फोर के 3 मोल्स है, क्योंकि आप इसको जब डिसोसिएट करोगे तो आपको 2 एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे, 3 एसओ फोर आयंस मिलेंगे. माइनस 1 इंटू अल्फा इज 0.4, सो दिस विल बिकम 1. 3 प्लस 2 5, माइनस 1 4, 4 इंटू 0.4 इज 1.6, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2.6. अगर जो वो ही इफ डिसोसिएशन वुड हैव बीन 100%, इफ डिसोसिएशन इज 100%, तो वैंट ऑफ फैक्टर के लिए सीधा आपको x प्लस वाई करना है. 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, 3 आयंस ऑफ दिस, सो 2 प्लस 3, आपका वैंट ऑफ फैक्टर 5 हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैंट ऑफ फैक्टर एंड हाउ टू अप्लाई दिस. फाइन, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. लेट से यू हैव 2 सोल्यूशंस, ओके, दोनों 1 मोल आ रहे हैं. सो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट दिस सोल्यूशन इज ऑफ NaCl एंड दिस सोल्यूशन इज सिंपली ऑफ शुगर और ग्लूकोज और यूरिया. तो ये डिसोसिएट नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते तो वैंट ऑफ फैक्टर 1 होता. जो भी डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता उसके लिए वैंट ऑफ फैक्टर इज 1. NaCl जो होता है हमें पता है NaCl डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस Na प्लस एंड Cl माइनस, तो NaCl के लिए वैंट ऑफ फैक्टर, NaCl 100% डिसोसिएट होगा, इसके लिए वैंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली कैसे निकालोगे? 2 आयंस में देंगे ना, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, तो वैंट ऑफ फैक्टर इज 2. Now, यहां पे वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो हमें पता है कि हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी यहां पे, सो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी मोर. एंड यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू लेस होंगी. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. So when I say colligative property is more, it means lowering of vapor pressure is more. And यहां पे lowering of vapor pressure is less. So पहले मान लो प्योर वॉटर था, प्योर वॉटर का वेपर प्रेशर, मान लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर इज लेट से 20 mm of Hg. तो आप जैसे ही सल्यूट ऐड करते हो ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अब यहां पे लोअरिंग ज्यादा है, लोअरिंग ज्यादा है मतलब यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा. तो मान लो यहां पे अब आपका वेपर प्रेशर हो जाता है 15 mm of Hg. सो यहां से यहां पे 5 mm से आपका वेपर प्रेशर कम हुआ. यहां पे लोअरिंग कम है तो यहां पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी लेट्स से 18 mm of Hg.
सो वॉट यू फाइंड ओवर हियर इज यहाँ पे लोअरिंग इज मोर, यहाँ पे लोअरिंग इज दिस. सो जब अगर जो आपको पूछा जाए कि इन दोनों सॉल्यूशंस में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, 18 mm ऑफ एच जी, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट. सो आई कैन राइट वेपर प्रेशर इज मोर ओवर हियर. यस, एंड यहां पे वेपर प्रेशर इज लेस. सो लोअरिंग इज मोर ओवर हियर, दैट इज वाई योर वेपर प्रेशर बिकम्स लेस. यहां पे लोअरिंग इज लेस, सो दैट इज वाई वेपर प्रेशर बिकम्स मोर. सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ओके, नाउ वॉटर का इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज बेसिकली 100 degree Celsius. नाउ आपकी डेल्टा टी बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहां पे वैंट ऑफ फैक्टर इज मोर. यहां पे मैं लिख देता हूं वैंट ऑफ फैक्टर इज 2 एंड यहां पे वैंट ऑफ फैक्टर इज 1. सो डेल्टा टी बी इज मोर, सो डेल्टा टी बी इज मोर, तो आपका टी फाइनल जो है यहां पे दिस इज इक्वल टू टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी बी, करेक्ट. आपका टी इनिशियल तो दोनों केसेस में सेम है, दोनों सॉल्यूशंस वाटर के ही है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा दोनों केसेस में. बट बिकॉज योर डेल्टा टी बी इज मोर ओवर हियर, एंड डेल्टा टी बी ज्यादा क्यों है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा है यहां पे. तो इफ डेल्टा टी बी इज मोर आई कैन से टी फाइनल इज ऑल्सो मोर. सो जिस सॉल्यूशन का वैंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, एंड यहां पे डेल्टा टी बी इज लेस, सो योर टी फाइनल इज टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी बी, सो देयरफॉर यहां पे टी फाइनल वुड बी लेस. सो दिस हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. So basically the solution which has higher Vant of factor will have higher boiling point, solution which has lower Vant of factor will have lower boiling point. उसके बाद जो third property है that is delta Tf. Now delta Tf is defined as T initial minus T final, क्योंकि final freezing point कम होता है. Now, यहां पे डेल्टा टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, सो डिप्रेशन विल बी मोर. डेल्टा टी एफ इज मोर, यहां पे डेल्टा टी एफ इज लेस. ओके, नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट टी फाइनल, सो टी फाइनल वुड बी रिटन एज टी इनिशियल माइनस डेल्टा टी एफ. अब आप बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेल्टा टी एफ इज मोर, अब बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये अपने आप से कम हो जाएगा. So I'll write TF is less. So यहां पे freezing point is lower. यहां पे भी आप TF ऐसे ही लिखोगे, T initial minus delta TF. अब delta TF less है तो आप छोटा number subtract कर रहे हो. अब छोटा number subtract कर रहे हो तो TF would be more. This will have higher freezing point. Higher freezing point. So normally water का freezing point होता है 0 degree Celsius. तो यहां पे freezing point would be let's say minus, दोनों cases में आपका freezing point कम ही होगा. okay? क्योंकि आप जैसे ही solute add करोगे हमें पता है freezing point decreases. यहां पे बस वो जो depression है that is this. तो अगर जो water का freezing point is 0 degree Celsius तो यहां पे मान लो ये वैल्यू हो जाएगी -0.1 degree Celsius. तो यहां पे 0.1 से कम हुआ ना फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम होगा. सो यहां पे वैल्यू मान लो -0.2 degree Celsius हो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर लेस, ओके, इट इज लोअर क्योंकि वैंट ऑफ फैक्टर इज मोर. फाइनली द लास्ट फैक्टर इज ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज C into R into T into I. तो ऑब्वियसली जहां पे वैंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर इन दिस केस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस.
ना हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो वैंट ऑफ फैक्टर ये क्यों आ रहा है, वैंट ऑफ फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, ओके, बट बस डिसोसिएशन के वजह से वैंट ऑफ फैक्टर आता है ऐसा नहीं है, एसोसिएशन के वजह से भी वैंट ऑफ फैक्टर आ सकता है। एसोसिएशन मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे एसिटिक एसिड है, ओके, एसिटिक एसिड को आप जब वाटर में पुट करते हो तो इट डिसोसिएट्स, इट विल फॉर्म CH3CO- एंड H+। डिसोसिएट होगा तो यू विल हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वैंट ऑफ फैक्टर विल बी मोर देन वन। वेन यू हैव एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके, सो यू हैव मॉलिक्यूल्स दिल कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिड्यूसिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिड्यूसिंग तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो वेन एवर यू हैव एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वैंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन वन, फॉर डिसोसिएशन वैंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन वन, एंड जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है तो वैंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू वन। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड, जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में पुट करते हो, व्हेन यू डिसॉल्व इट इन बेंजीन, व्हाट हैपेंस इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डाइमर। सो नाउ यू हैव ओनली वन पार्टिकल, ओके। नाउ इस केस में वैंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज वन, डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज टू, तो वैंट ऑफ फैक्टर इज हाफ, यू कैन सी दैट इट इज लेस देन वन। सो आपको ये याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वैंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन वन। वापिस हर एक फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, बस जो भी आई की वैल्यू है आप 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वैंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन वन, सो व्हेन यू पुट एसिटिक एसिड इन वॉटर ये डिसोसिएट होता है टू फॉर्म CH3CO- एंड H+। तो यहां पे वैंट ऑफ फैक्टर वुड बी ग्रेटर देन वन, एंड यहां पे जहां पे एसोसिएशन होता है वहां पे वैंट ऑफ फैक्टर वुड बी लेस देन वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। लेट्स से अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, यू हैव 0.01 मोलर अक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट इज H2O ऑफ अ कंपाउंड, एंड इट इज गिवन टू यू दैट इट फ्रीजेस एट -0.062 डिग्री सेल्सियस। सी नॉर्मली पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये सॉल्यूशन है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना, तो इट इज गिवन टू यू एज -0.062 डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड आउट करना है। ना हमें यह पता है कि अल्फा फाइंड आउट करने के लिए डिसोसिएशन हो रहा है यहां पे, तो आपको वैंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करना होगा। तो आपका डेल्टा टीएफ कितना होगा, सबसे पहले वो कैलकुलेट करता है, इट इज इक्वल टू T initial - T final। टी इनिशियल इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, -0.062 डिग्री सेल्सियस, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.062 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका डेल्टा टीएफ। नाउ वंस यू हैव डेल्टा टीएफ, अब हम लोग ये फॉर्मूला दिखता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी इनटू आई, सो आई वुड बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ इनटू मोलैरिटी। सो डेल्टा टीएफ इज 0.062, केएफ इज 1.86, मोलैरिटी इज 0.01। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस आपको जो वैंट ऑफ फैक्टर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, विल गेट इट एज 10/3। अब आपको चाहिए अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, हम लोगों ने ये डेरिवेट की थी। द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा वॉज आई इज इक्वल टू 1+x+y-1 टाइम्स अल्फा।
So therefore alpha was equal to I minus 1 divided by x plus y minus 1. Now I ki value hai 10 by 3 minus 1. X and y kya hota hai? X is basically number of atoms of A and y is number of atoms of B. Aap x plus y ko na total number of particles count kar sakte ho. X plus y is total number of particles. So yahan pe 3, yahan pe 1, it would be 4. So 4 minus 1. 10 minus 3, this will be 7 by 3 by 3. So degree of dissociation will be 7 by 9. 7 by 9 is roughly equal to 77.7%. So whenever degree of dissociation is asked, pehle aapko Vant of factor find out karna hai. Uske baad you have to use this formula. Theek hai? So I hope this is clear to you कि Vant of factor को कैसे आप treat करोगे and आपको Vant of factor तभी consider करना है अगर जो question में दिया हुआ है कि compound is dissociating or associating या फिर आपको उसमें दिया हुआ है एक ionic compound दिया हुआ है जैसे हमें ये पता है कि ये ions में convert होता है वैसे ही CaCl2 हो गया NaCl हो गया ये सारे ionic compounds हैं okay अच्छा please इसके पहले जो हम लोगों ने ये सब डिस्कशन किया था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन को समझो क्योंकि इनके इसके बेसिस पर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाता है आपसे यहां पे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर जो है इट इज ओवर ठीक है फाइन